मंगलवार को जयपुर में सचिवालय की ओर जाने वाली सड़क पानीपत का मैदान नजर आ रही थी। एक ओर बीजेपी की फौज तो दूसरी ओर राजस्थान पुलिस का भारी भरकम लश्कर। ऐसा लग रहा था सड़क नहीं जंग का मैदान हो। बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सचिवालय की ओर आंधी की तरह बढ़ते जा रहे थे और पुलिस वाले चट्टान बनकर उनके रास्ते में खड़े थे। बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर अपनी सेना की अगुवाई करते दिखे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, अलवर वाले सांसद बाबा बालकनाथ, यहां तक कि उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी पुलिस से जोर आजमाइश करते दिखे। बीजेपी के इस महासंग्राम में सेना भी थी और सिपह सालार भी। अगर कोई नहीं था तो वो थी महारानी वसुंधरा राजे। इतने बड़े प्रदर्शन में सारे नेता एक साथ थे, लेकिन महारानी का दूर दूर तक अता पता नहीं था। इस बाबत जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से सवाल किए गए तो जोशी जी बड़ी ही साफ गोई से निजी कारणों का हवाला देकर बात को टाल गए। देखिए, इस सभा में कई हमारे मंत्री सदन के कारण, संसदीय कार्य मंत्री होने के कारण, किसी का क्वेश्चन होने के कारण, किन्हीं का निजी कार्यों के कारण नहीं आना हुआ। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, अधिकांश सांसद, विधायक और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और राजस्थान का कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां से जनता की भागीदारी, कार्यकर्ताओं की भागीदारी इस आंदोलन में नहीं थी। राज्य के खास विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी से भी जब पूछा गया कि आखिर इस बार के चुनाव में महारानी की क्या भूमिका रहने वाली है, तो देवनानी जी भी आला कमान पर बात को घुमा गए। वहीं सचिन पायलट और राजेंद्र गुढ़ा पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा, अगर पायलट और गुढ़ा की आस्था बीजेपी में हो जाती है तो पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। एक्ट लेकर आए हैं, उसमें प्रावधान भी, वो भी सलाह दे सकता है, उसमें भी डेट रिलीफ करने का अधिकार नहीं दे रहे वो। और इसमें नेशनलाइज बैंक और शेड्यूल बैंक और उनके सारे किसानों को, आज भी वो किसान जो 6,45,000 है, जिस पर कर्जा आज की तारीख में 6,000 करोड़ से ज्यादा, दिसंबर 2018 को था, जो आज 12,00,000 करोड़ हो गया, ये कई चीजें, 12,000 करोड़ हो गया, ये कई चीजें हैं। इसलिए सरकार जानबूझकर सदन से भाग रही है। ओके सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि अभी आपने बता रही थी कि भाई मतदान को लेकर अपराधों की मणिपुर के लेके आप क्या कहेंगे, तो मणिपुर में जो हो रहा है यहाँ पे, ऐसे पार्टी के केंद्र से मिले प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देने के लिए तैयार है, सुनने को तैयार नहीं, मतलब इसमें क्या। खैर, प्रदर्शन हुआ, धक्का मुक्की हुई, पानी की बौछारों के बाद ये प्रदर्शन शांत भी हो गया। लेकिन वसुंधरा राजे का इतने बड़े प्रदर्शन में शामिल न होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि महारानी कहीं फिर से खफा तो नहीं, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक बीजेपी की ओर से कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इसलिए हो सकता है कि महारानी अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की राह देख रही हों, क्योंकि पिछले दिनों महारानी के साथ पार्टी के कई बड़े कार्यक्रमों में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छिपा नहीं। स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहें, इससे पहले हमारी भूतपूर्व और अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि वो संबोधित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।